जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं? क्योंकि ये जो आप तेजी देख रहे हैं यहाँ पे, तकरीबन 9% 10-10% की तेजी एक एक दिनों में, इसके पीछे की वजह को जानेंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि इस तेजी की बदौलत इस स्टॉक ने एक नया 52 वीक का हाई लगाया है और अपने हर एक पिछले रिकॉर्ड को हाई के मामले में स्टॉक ब्रेक करते जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसके बारे में बात होनी जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना कितना जरूरी है। जिन लोगों ने पेशेंस दिखाया होगा, उनको अभी इस स्टॉक में अच्छा खासा पैसा बन रहा होगा। तो इसलिए एक बात समझिए कि स्टॉक मार्केट में आपको पैसा कमाना है तो पेशेंस का होना काफ़ी जरूरी है। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। यह भी बताऊंगा कि जिसके पास अभी तक इस कंपनी के स्टॉक नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए। जिनके पास शेयर्स हैं, उनकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। शुरुआत हमेशा की तरह शुरू से करेंगे। सबसे पहले काम को डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं कि विकास लाइफ केयर मल्टीपल बिजनेसों में अभी कूदा हुआ है। तो यदि हम देखें तो ये कंपनी पॉलीमर्स, रबर और यहां पे देखेंगे तो प्लास्टिक तथा सिंथेटिक नेचुरल रबर बनाते हुए कंपनी आपको दिखेगी। पहले के ये सब काम थे, शुरुआती दिनों में कंपनी यही सब काम कर रही थी। प्लास्टिक वगैरह बनाती थी, सिंथेटिक नेचुरल रबर बनाती थी। केमिकल सेक्टर में थोड़ा बहुत ही कंपनी इन्वॉल्व है, लेकिन मेन बिजनेस से जो कमाई होती थी यही सब, जो पॉलीमर रबर वगैरह सिंथेटिक बनाती थी कंपनी, उससे इसकी कमाई होती। लेकिन बाद में कंपनी ने अपने आप को एक्सपेंड किया और उसके बाद देखेंगे तो ये कंपनी एग्रो प्रोडक्ट्स में आई, फिर FMCG के प्रोडक्ट्स में भी आई। कंपनी FMCG में भी आपको कारोबार आज के समय में करती हुई दिखी जाएगी। 1-2 सालों के अंदर ये सभी अपने बिजनेस को एक्सपेंड की हुई है। और यदि मैं अभी आपको BSE इंडेक्स वेबसाइट पर चलूँ तो वहाँ पे आपको एक अमेजिंग चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे अभी हम लोग BSE इंडेक्स वेबसाइट पर आ रहे हैं। यहाँ पे जो मैं अमेजिंग चीज़ की बात कर रहा था विकास लाइफ केयर लिमिटेड को, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो विकास लाइफ केयर कंपनी है, आज 23 तारीख के दिन में देखेंगे तो एक नया 52 वीक का हाई अपने लगभग बनाने जा रहा है, 52 वीक का हाई को टच करने जा रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट है, 22 जनवरी का है। 22 जनवरी के ये दिन मीडिया रिलीज करते हुए विकास लाइफ केयर लिमिटेड ने बताया कि इसने एक्विजिशंस किया है, एक नई कंपनी में स्टेक लिया है। कंपनी का नाम है Sky 2.0 क्लब। इसमें कंपनी ने एक नया अपना स्टेक लिया है, यानी कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो लगातार अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा है। एक छोटी सी कंपनी होने के बावजूद जिस तरीके से विकास लाइफ केयर लगातार अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, उससे दूसरी कंपनी को भी सीखना चाहिए। एक्सपेंड कोई कंपनी तभी करती है जब उसके पास पैसा होता है। कंपनी के पास कहीं ना कहीं पैसा है और उस पैसे को कंपनी एक्सपेंड करके और ज़्यादा पैसा कमाना चाह रही है। दूसरी बात, अभी इस कंपनी के Q3 के भी नंबर आने वाले हैं, दमदार रिजल्ट आएंगे इस कंपनी के Q3 के। बस आप Q3 तक बने रहिए, नहीं है तो इस कंपनी के शेयर्स को लेने का व्यवस्था कीजिए। हालांकि इसके लिए आपको हड़बड़ी में जाकर कहीं पर भी विकास लाइफ केयर के शेयर्स को नहीं बाय कर लेंगे, क्योंकि शेयर्स का प्राइस काफी बढ़ गया। हम लोग चार्ट पर लेवल देखकर वहाँ पर डिस्कस करेंगे कहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स को बाय करने हैं, कि नए व्यक्ति भी इसको बाय करना चाहता है। तो मार्केट कैप देखेंगे कंपनी का तकरीबन 1000 करोड़ से ज़्यादा हो गया बढ़कर, क्योंकि जब भी शेयर प्राइस बढ़ता है तो उसके साथ साथ मार्केट प्राइस भी बढ़ता है। और मार्केट प्राइस बढ़ने के साथ साथ शेयर प्राइस बढ़ रहा है, जो कि इसके बुक वैल्यू से ज़्यादा है। ये काफ़ी बढ़िया बात है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है बुक वैल्यू से ज़्यादा है, ऐसा ही होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी और जो ROC माइनस में, यह भी कुछ समय में ही आपको पॉजिटिव में आते हुए दिखेगा। बस थोड़े समय और आप इंतजार कर लीजिए। अब टेक्निकल एनालिसिस करें तो 1 साल के चार्ट पर हम लोग आ गए हैं। और जब पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि ये जो लेवल है 5.50 रुपये और जो 5 रुपये तकरीबन, इसमें जब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था तो मैंने बताया था कि जाहिर सी बात है जब भी इससे मतलब बाहर निकलेगा इस रेंज से तो इसमें ब्रेकआउट होगा। उसमें ब्रेकआउट हुआ और शानदार ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिला। यहाँ पर चूंकि थोड़ा सा रेजिस्टेंस था तो यहाँ पर कुछ दिनों तक समय बिताया इस स्टॉक ने, लेकिन इससे जब ऊपर निकला तो प्राइस अभी भी लगातार आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है। कहाँ तक ऊपर जा सकता है, इसके लिए यदि हम बात करें 5 साल का चार्ट ओपन करते हैं, 5 साल के चार्ट पर देखेंगे तो इस स्टॉक का एक मेजर रेजिस्टेंस आपको इसी लेवल के आसपास देखने को मिलेगा, 8 रुपए के आसपास। यानी कि शॉर्ट टर्म 8 रुपए के लेवल तक तो आएगा, लेकिन 8 रुपए के लेवल को इजीली ब्रेक कर देगा यदि कंपनी के Q3 के नंबर अच्छे आते हैं, जो कि आने के चांस है भी। Q3 के नंबर अच्छे आएंगे तो ये जो रेजिस्टेंस इसको ब्रेक कर देगा और इजीली इसको आपका प्राइस 16 से 18 रुपए तक इजीली आपको जाते हुए दिखेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म में एक छोटी सी कंपनी में इतनी लंबी जंप देखने को मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होना बनता है। अब रही बात कि जो जिनके पास पहले से शेयर्स नहीं, उनको कहां पे एंट्री लेना है, तो देखिए अभी तो आपको चढ़ती रेलगाड़ी में नहीं चढ़ना है, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। अब आपको वेट करना है करेक्शन आने का, थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन आने दीजिए। प्राइस 8 रुपये के लेवल तक जाएगा, 8 रुपये के लेवल तक जाने के बाद चूंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस है तो यहाँ से प्राइस थोड़ा सा रजिस्ट करने नीचे आएगा। फिर जब उठने लगेगा तो जैसे उठने लगेगा आप यहीं पर एंट्री ले लीजिएगा, जहाँ पर उठने लगे 7 रुपये के करीब से उठना शुरू होगा, या हो सकता है 6.5 रुपये के लेवल तक, और यहाँ से फिर प्राइस आपको उठना शुरू करे। तो जैसे इस कंपनी का शेयर प्राइस 6.5 रुपये के लेवल के पास आकर उठना शुरू करें तो आप 6.5 रुपये के लेवल के आसपास यहाँ पे आप एंट्री ले लीजिएगा। नए व्यक्ति जो अभी तक बाई नहीं किया अभी मत इसमें एंट्री लीजिए। बाकी एवरेजिंग करना चाहते हैं थोड़ा प्राइस नीचे आने दीजिए, फिर आप जिसके पास पहले से इसमें स्टॉक हो एवरेजिंग भी कर सकते हैं।
यदि हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करें, पहले के जो क्वार्टर के रिजल्ट आए, तो आप देखेंगे कंपनी का पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट था काफी शानदार रहा था। पिछले क्वार्टर में रिजल्ट उसके पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ते हुए दिखेगा, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वह भी आप देखेंगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन होते हुए दिखेगा। लेकिन जो यदि हम लोग बैलेंस शीट को डिस्कस करें, तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखा जाता है बोरोइंग, यानी कि कर्जा कितना है कंपनी के पास। तो कर्जा पिछले कुछ दिनों में आप देखिए कम होते हुए दिखा है, 26 करोड़ के आसपास हो गया पिछले यदि फाइनेंशियल से बात करें तो कम होकर। और साथ में यहीं पे कंपनी का जो रिजर्व पैसा है, यानी कि जो कैश पैसा होता है कंपनी के पास, वह आपको देखेंगे तो बढ़ते हुए दिखा है, 187 से 208 करोड़ हो गया। यानी कि ओवरऑल फंडामेंटल कंपनी का मजबूत हो रहा है, और फंडामेंटल मजबूत होने के साथ साथ जो कंपनी का मैनेजमेंट है जिस तरीके से काम कर रहा है उसके बदौलत, इसके काम के बदौलत कंपनी के शेयर प्राइस में आगे भी तेजी आने के चांसेस रहेंगे। इसलिए विकास लाइफ केयर में यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो बेशक आप इसमें बने रहिए, लंबी अवधि के लिए इसमें बने रहिए, आपका पैसा इसमें बनेगा। उम्मीद करता हूँ इसके बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी आप समझ पा रहे होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर बात कर सकते हैं आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, शुक्रिया।